हेलो नमस्कार, मेरा नाम है रोहित। मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं फ्लोर बेस्ड पज़ल और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं इसको जो लेवल दूंगा वो इजी लेवल का कहूँगा, बट आपको देखने में टफ़ लगेगी, बट ये क्वेश्चन वाकई में इजी है। आपको यहाँ पे दो बातों का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना, और देखिएगा आप खुद कहेंगे कि हाँ सर क्वेश्चन ईजी था। कैसे, कौन सी दो बातें का याद रखना है? यहाँ पर एक तो वैकेंट फ्लोर है, तो जब भी फ्लोर आता है तो हमेशा याद रखना कि जब ये लाइन हो कि देयर विल बी अ टू पर्सन बिटवीन ए एंड बी, तो इसका मतलब है हम पर्सन्स को ही फोकस करेंगे। हम वैकेंट वाली पोजीशन पे कोई पर्सन नहीं रह रहा है तो हम उसको नहीं काउंट करेंगे। लेकिन अगर मैं यही चीज़ उलट के बोल दूँ, कह दूँ कि ए और बी के बीच में दो फ्लोर हैं, तो हमें उस वैकेंट वाले फ्लोर को काउंट करना होगा। क्यों? क्योंकि वो एक फ्लोर है भाई, उस पर पर्सन नहीं रह रहा लेकिन वो फ्लोर तो है, समझ रहे हो? यहाँ पे ये चीज़ को चलना, और कोशिश हमेशा पहले यही किया करो कि वैकेंट फ्लोर में वैकेंट की पोजीशंस ढूंढा करो, कहीं मिल गई तो आपकी चांदी है, ठीक। और अगर आपने कहीं और से स्टार्ट किया तो समझिए कि सांप के बिल में हाथ डालने के बराबर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ट्राई भी किया होगा। और दूसरी चीज़, अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट परचेस नहीं किया है तो आप मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके परचेस कर लीजिए। और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। किस पे मेल करेंगे? rohit@ibpsguide.com पे, ठीक है ना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला है, सेवन पीपल ए बी सी डी ई एफ जी लिव ऑन एट स्टोरी बिल्डिंग ऑन डिफरेंट फ्लोर। द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर वन एंड द फ्लोर अबव वन इज नंबर टू एंड सो ऑन। देयर इज अ वैकेंट फ्लोर इन द बिल्डिंग विच इज नॉट द ग्राउंड और टॉप मोस्ट फ्लोर। तो ये बात यहाँ पे क्लियर बता दी कि ग्राउंड और टॉप मोस्ट पे नहीं होंगे, आठ फ्लोर होंगे, सात पर्सन हैं, फ्लोर का अरेंजमेंट बता रखा है, और ईच हैज़ अ डिफरेंट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन विच इज़ ऑफ प्राइम नंबर। तो याद रखना जितने भी सात पर्सन हैं उनके पास प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से प्राइम नंबर होते हैं? जो खुद के टेबल में आए। तो 50 से लेकर 80 के बीच में वो कौन से नंबर, इनको लिस्ट आउट करना पड़ेगा हमें खुद। तो पहले काम करते हैं, आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है ना। चलो 16 पे कर दे, दिखेगा, ठीक है। तो 50 से 60 के बीच में वो कौन से प्राइम नंबर होंगे? तो जवाब रहेगा सर 53 रहता है, 59, 61, 67, 67, 71, 73 और 79। अगर यहाँ पे मैक्सिमम गोल्ड कॉइन की बात करें तो वो 79 है, जो मिनिमम की बात करें तो वो 53 है, लीस्ट की बात करेंगे तो 53 है मेरा। अब स्ट्रक्चर भी बना लेंगे अपनी कॉपी तुरंत, कैसा? कुछ ऐसा, ये ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम करेक्ट कर देते हैं, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक। अब क्या कहता है, ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन एफ एंड डी, एफ लिव ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव द वन हु हैज 53 गोल्ड कॉइन। तो अभी हमें नहीं पता कि F कहाँ है, D कहाँ है, लेकिन यहाँ पे नोट करने वाला क्या है, वन पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमें ऐसे लिखना कुछ पड़ेगा, F वन पर्सन और D, और इनके बीच में कोई रह रहा है, तो अब ऊपर नीचे ये दोनों हो सकते हैं। और F लिव ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव द वन हु हैव अ 53 पॉइंट्स, कहीं ना कहीं 53 वाले के ऊपर में F होगा। अब कौन है 53, मुझे अभी ये भी नहीं पता है, इनके बीच में कितने पर्सन है ये भी नहीं पता, क्योंकि वन ऑफ द फ्लोर बोला है, वन ऑफ द फ्लोर्स बोला है, तो कितने फ्लोर के बाद मुझे नहीं पता। अभी आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। जी हैज अ हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन एंड डज नॉट लिव ऑन आइदर टॉप मोस्ट फ्लोर एंड लोअर मोस्ट फ्लोर। तो मुझे ये बात देखो क्या क्या बातें पता थी, हमें बातें ये पता थी कि वैकेंट यहाँ नहीं होगा, सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया था, और अब बता रहे हैं कि जी भी नहीं होगा, क्योंकि जी नहीं होगा, और जी के पास हमें बताया कि जी के पास कितने नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन है, मैक्सिमम है ना, हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन दैट इज 79,
आगे देखो, ए हैज अ गोल्ड कॉइन मोर देन द एवरेज ऑफ डी एंड जी। तो अब देखो, पहले तो डी और जी का एवरेज देखोगे, वो आएगा आपके पास एक्स। तो मान लो इस एक्स की में आपने वन ऐड कर दिया, तो ए के पास कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो आप निकाल लोगे। द डिफरेंस बिटवीन द गोल्ड कॉइन ऑफ डी एंड ई इज डबल द डिफरेंस बिटवीन द गोल्ड कॉइन ऑफ बी एंड एफ। क्या कह रहा, द डिफरेंस बिटवीन द डी एंड ई इज डबल द डिफरेंस बिटवीन बी एंड एफ। ये लाइन कह रही है, ठीक है ना। बी लिव ऑन वन ऑफ द फ्लोर, सॉरी, बी लिव्स इन फ्लोर विच इज आइदर इमीडिएटली और अबव, इमीडिएटली अबव और बिलो द वैकेंट फ्लोर। तो अब देखो, वैकेंट के इमीडिएटली अबव भी हो या फिर वैकेंट के इमीडिएटली बिलो भी हो, पर वैकेंट से जुड़ा ही रहेगा कहीं ना कहीं भी, ठीक है ना। आगे कहता है कि ए जो है लिव करता है इवन नंबर ऑफ फ्लोर पे। हमें तो सबसे पहले ये बात बताई कि ए जो है मेरा वो इवन फ्लोर पे रहता है, इवन पे। आगे कहता है एंड द नंबर ऑफ पीपल की बात हो रही है लिविंग अबव ए, ए के ऊपर नंबर ऑफ पीपल इज सेम एज नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो ए, इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीपल बिलो ए। नंबर ऑफ पीपल की बात हो रही है और ये इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए, आपकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनेगी वो यही कंडीशन डिलीट करने में हेल्प करेगी। अभी महसूस होगा सब चीज़ आपको। डी हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ कॉइन और लीस्ट मेरे पास 53 और 53 का जिक्र अभी किए थे यहाँ पे, तो डी के ऊपर कहीं ना कहीं एफ होगा, पर कहीं ना कहीं मतलब डी और एफ के बीच तो एक रिलेशन बता, तो इनके बीच में वन पर्सन होगा फॉर श्योर। तो ये लाइन की कोई नीड नहीं है। अब समझ में आया, डी के ऊपर कहीं ना कहीं एफ होगा पर उनके बीच में वन पर्सन जरूर होगा, और होगा ही होगा, वन पर्सन ही होगा, ठीक है। तो इसमें वैकेंट इंक्लूड होगा, मे बी, हो सकता है, हमें क्या पता, आगे देखते हैं। अच्छा, मतलब वैकेंट इंक्लूड होने का मतलब ये हुआ कि ऐसे हो सकता है क्या, एफ कोई 1%, यहाँ वैकेंट और यहाँ डी, तो ऐसे भी तो हो सकता था, पर फ्लोर कितने हुए, 1, 2, 3, 4 फ्लोर। समझ में आया क्या कहने का मतलब है मेरा। अच्छा, आगे देखो क्या कहता है, आगे क्या कहता है कि डी हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स हो गया है, ए लिव एट वन ऑफ द फ्लोर अबव, हाँ, डी हैज़ अ लीस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स गोल्ड कॉइन, तो हमने बताया अभी इसी तरीके से कि डी के 53। अब कहता है ए लिव एट वन ऑफ द फ्लोर बिलो डी, डी के कहीं ना कहीं नीचे ए रह रहा है, एंड ए की बात हो रही है अबव ई, कहीं ना कहीं ई के ऊपर, हु लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, तो ई भी ना आपका इवन फ्लोर पे रहता है। देखो ये लाइन कहीं ना कहीं एग्जाम में जब आप बैठे रहते हैं तो कंफ्यूज कर देती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे से ही कल मिस्टेक हो गई थी, कल जो मेरी आईबीपीएस पीओ प्री की क्लास देख रहे हैं वहाँ पे मैंने जे और बी की पोजीशन एक्सचेंज कर दो, ठीक है ना, वहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी थी इसी को, यहाँ मैंने, समझ जाइएगा आप लोग, देखिएगा आप लोग जो समझ गए होंगे समझ गए होंगे। चलिए इसी क्वेश्चन की भी बात करते हैं, उसकी हम शाम को बात कर लेंगे, ठीक है ना। क्या कह रहा था आगे कि the difference between the gold coin of B and F is half of the difference between G and C. F has more gold coin. यहाँ हमको ज़्यादा बता दें कि F के पास ज़्यादा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि F minus B equals to half of difference between G and C, है ना, G and C. F has more number of floor above vacant floor is one more than the number of floor below the one who owns the second highest number of gold coin. Second highest तो 73 है, तो ये कह रहे हैं important line है, सुनो, कह रहे हैं number of floor की बात हो रही है, तो vacant के ऊपर floor is one more than number of floor below the one who owns the 73 कि क्या floor ज़्यादा हैं एक से। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक तो ये मिला, देखो पूरे क्वेश्चन में देखो पॉइंट्स कम निकले, क्वेश्चन इजी है, इसीलिए मैं कह रहा था क्वेश्चन इजी है, बस ध्यान से करने वाला है। अब हमने क्या बताया था, वैकेंट को सबसे पहले फिक्स करने की कोशिश करो, वैकेंट को फिक्स करने के बाद बहुत सी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। जैसे कि वैकेंट यहाँ नहीं होगा तो वैकेंट को यहाँ रखते हैं, अगर हम वैकेंट को यहाँ रखते हैं
तो मुझे ये बात बताई थी कि ए के ऊपर जितने नंबर ऑफ पर्सन हैं उतने ही ए के नीचे हैं, तो ए हमारा यहाँ पे होगा पहले तो 1%, 2%, 3%, 4%, क्योंकि बचे हुए फ्लोर में तो पर्सन ही होगा, और यहाँ देखो एक फ्लोर, तो नीचे कितने पर्सन आ रहे हैं ए के, 1% आएगा और 2% का ये तो खाली है ना, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, ऊपर 4% नीचे 2% इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और हम कहीं पे ए को रखें यहाँ रखेंगे तो ए के ऊपर दो लोग लेकिन ए के ज़्यादा नीचे लोग, हमें बराबर रखना है ना, ए के ऊपर उतने ही नंबर ऑफ पर्सन है जितने ए के नीचे हैं, वैकेंट यहाँ नहीं होगा, वैकेंट यहाँ रख के देखोगे फिर वही बात आएगी, हम नहीं रख पाएंगे कहीं पे भी, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा। अब हमको सिर्फ डिलीट करते जाना कि वैकेंट कहाँ कहाँ नहीं हो सकता, वैकेंट यहाँ रख के देखोगे फिर वही बात आ जाएगी, ए यहाँ नहीं रखोगे, ए यहाँ नहीं रखोगे और ए यहाँ नहीं रखोगे, क्योंकि ए को आना हमारे इवेंट फ्लोर पे है, इसीलिए मैंने कहा वैकेंट यहाँ पे भी नहीं होगा। अब वैकेंट यहाँ लिख के देखो सर, यहाँ बात बन जाएगी क्योंकि ए यहाँ आए और 1%, 2%, 3% नीचे भी 3% है, लेकिन मुझे बताया था डी के कहीं ना कहीं नीचे ए होगा, डी के कहीं ना कहीं नीचे ए होगा, मतलब हम इतने में कहीं पे भी डी को चेक नहीं करेंगे, हमें डी यहाँ रखना होगा या तो यहाँ या। अब एक बात, तो मिनिमम बताया जाए डी और एफ के बीच में 1% है और डी के ऊपर ही कहीं ना कहीं एफ है, तो ऑफकोर्स हम यही करेंगे ना, डी एक का एफ, लेकिन ये बताया था वैकेंट के इमीडिएटली अबव या इमीडिएटली बिलो भी है, तो यहाँ डी आ रहा है, यहाँ हम रख नहीं पा रहे हैं भाई, तो हमने कहा कि सर वैकेंट यहाँ नहीं होगा, सर वैकेंट यहाँ नहीं होगा, वैकेंट होगा या तो सातवें नंबर पे या छठे नंबर पे, तो मेरे पास पॉसिबिलिटीज तो केवल दो ही आई ना, इसीलिए तो कह रहा था कि इजी क्वेश्चन है, ऑब्जर्व करो ना सिर्फ, तो वैकेंट एक तो यहाँ हो सकता है या तो वैकेंट मेरा यहाँ होगा, तो एक काम करते हैं यहाँ से करते हैं, या तो वैकेंट ये है या फिर वैकेंट ये है, वैकेंट को फिक्स करते ही याद रखना कि ये वाली लाइन, वैकेंट के ऊपर कितने फ्लोर है इस वाले केस की, दो फ्लोर, तो दो में से ये -1 आ जाएगा तो आएगा 1, तो 73 के ठीक मतलब 73 के कितने फ्लोर, 73 वाले के कितने नीचे कितने फ्लोर होंगे, 1 फ्लोर होंगे, तो यहाँ आ जाएगा 73, और यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ क्या वैकेंट के ऊपर कितने फ्लोर, एक फ्लोर, और एक माइनस एक कितना होता है 0, मतलब 73 वाले के 0 फ्लोर, मतलब यहाँ पे कौन आ जाएगा 73 वाला, ये चीज क्लियर है, यहाँ पे ये चीज क्लियर है, मैंने इस लाइन को पूरी तरीके से यूज कर लिया, तो इसकी कोई नीड नहीं है मेरे को अब, ठीक है ना, तो मैंने क्या किया कि अब ये वाली पर्सन को बैठा, तो हमेशा मुझे पता है कि ए को यही लिखना पड़ेगा इस चीज को फिक्स करने के लिए कि ए के ऊपर जितने नंबर ऑफ पर्सन है उतने ए के नीचे है, तो देखो 1%, 2%, 3%, ये तो वैकेंट है ना, इसमें कोई पर्सन नहीं लिख कर रहा, 1%, 2%, 3%, यहाँ पे भी सेम चीज करनी पड़ेगी, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो हमको ये भी यूज हो चुकी है, और ए हमारा इवेंट पे था हमने बताया था। अच्छा अब दूसरी चीज यहाँ पे ये आ जाती है कि डी के कहीं ना कहीं ऊपर ही एफ होगा, वो भी 1% के बाद, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, तो हम मुझे यही लिखना पड़ेगा ना, और ये बात पता है कि डी और एफ के बीच में 1% है, ये तो वैकेंट है, तो 1% यहाँ होगा, एफ यहाँ होगा, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे डी और एफ यहाँ हो जाएगा, लेकिन मुझे बताया था वैकेंट के इमीडिएटली अबव या इमीडिएटली बिलो भी होगा, तो इमीडिएटली बिलो ही भी होगा, और यहाँ वाले केस में इमीडिएटली अबव भी होगा, और कोई जगह बच नहीं रही है ना, क्योंकि इसलिए समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे मेरे साथ। सॉरी अब मुझे पता है डी के पास 53 कॉइन्स थे, तो 53 आप लिख दीजिए ना, डी के पास 53 थे, ठीक है, वैकेंट वाली यानी कंडीशन मैंने पूरी फुलफिल कर दी है। अच्छा ये बताइए डी के नीचे ए आ रहा है, डी के कहीं ना कहीं नीचे ए आ रहा है, इमिडिएटली हो हमें उससे मतलब नहीं है, कहीं ना कहीं नीचे तो है, लेकिन ई के ऊपर कहीं ना कहीं इमिडिएटली भी हो सकता है ए होगा ई के ऊपर, और ई हमारा इवन पे होगा, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही पोजीशन बच रही है, इवन फ्लोर ये और ये है ना, तो इसको भी यूज कर लिया। जी के बारे में बताया था कि वो जी टॉप पे नहीं होगा ना तो बॉटम पे होगा, तो जी यहाँ तो वैसे भी नहीं आ सकता, जी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, यहाँ की बात करें तो जी यहाँ तो वैसे भी नहीं आएगा, जी टॉप बॉटम पे नहीं है, जी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, पर्सन तो आपने फिक्स कर दिए, जी 79 पे था। अब अगर हम बात करा जाए इन दोनों में से सही कौन सा केस है, तो हमेशा याद रखो कि यहाँ पे इस वाले केस की अगर बात करें जी 79 है,
यहाँ पे बस देखने वाला ये है कि जी अगर 79 है, सी मेरा 73 है, तो इनका डिफरेंस हम ले सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग। जी और सी का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 6 का, और उसका आधा कर देंगे तो 3 आ जाएगा, 6/2 तो 3 आ जाएगा। तो हमको पता चल गया कि एफ और बी का जो डिफरेंस है वो 3 का आना चाहिए। और ये भी बात पता थी कि एफ बड़ा है, मतलब एफ के पास नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स ज़्यादा हैं बी के पास, बी के कंपेयर में। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे 3 जोड़ोगे ना अगर, तो आपको मिलेगा एक वो इवन नंबर। तो कहीं पे भी आप 3 जोड़ जोड़ के देख लो इतने से, क्योंकि मेरे पास नंबर तो यही है ना गोल्ड कॉइन्स के, किसी में भी 3 ऐड करोगे आपको एक इवन नंबर मिलेगा, ठीक है। और हमारे पास गोल्ड कॉइन कितने हैं, मतलब कैसे किस नेचर के हैं, प्राइम नेचर के हैं, प्राइम नंबर के नेचर के। तो ये वाली केस तो मेरा बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आया कि ये केस कैसे रिजेक्ट हुआ? जब हम इस केस की बात करेंगे, इस वाले केस की, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको अप्रोच करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर ये देखो, डी और जी दोनों की हमें गोल्ड कॉइन्स पता हैं, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो मेरे पास आ जाएगा 53 + 79 तो आएगा 9 × 3 = 132। इसको 2 से डिवाइड कर दिया, एवरेज लिया ना, 2 × 6 = 12 × 2 = 66, पर 66 में प्लस 1 कर देंगे क्योंकि अभी x की वैल्यू आई है, a की वैल्यू निकालने के लिए मुझे 66 प्लस 1 दैट इज 67, तो यहाँ मैं कर दूंगा 67। ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे, यहाँ पे क्लियर हो गई है। अच्छा, अब मुझे पता है कि d और e की क्या वैल्यू है, d और e की, यहाँ से डिफरेंस हम ले सकते हैं क्योंकि अब d बड़ा है कि e बड़ा है, तो यहाँ पर यह बात हो जाएगी e माइनस d, क्योंकि e बड़ा है, 73 - 53 दैट इज 20, तो 20 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ये वाला 2 इधर आ जाएगा, तो b और f के बीच में, मतलब b और f के बीच में मुझे पता है कि f माइनस b वाला है डिफरेंस, 2 × 1 = 2 = 10, तो मतलब f और b के बीच में जो डिफरेंस है वो 10 का होना चाहिए। तो अब देखिए आप यहाँ पे, आपके पास ये नंबर्स हैं, इसमें 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 63 आएगा। मेरे पास 63 नंबर है क्या, कहीं 63 है देख लो, कहीं नहीं 63 है, तो हटा दो, ठीक है। यहाँ देखेंगे 10 जोड़ेंगे, 59 + 10 = 69 हो जाता है, मेरे पास 69 है क्या, नहीं, हटा दो। यहाँ 10 जोड़ेंगे तो बिल्कुल यहाँ 10 जोड़ने पर 71 आएगा और यहाँ मेरे पास नंबर है, और कहीं भी 10 जोड़ के देख लो कोई नंबर भी ऐसा नहीं आएगा। तो मेरे पास दो नंबर है 61 और 71 एफ और बी के लिए। मुझे पता है कि एफ बड़ा है, एफ के पास ज़्यादा नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स हैं, तो एफ के पास चला जाएगा 71 है ना, और बी के पास चला जाएगा 61। सबके एक गोल्ड कॉइन्स हो चुके हैं, बस एक बच रहा है 59 वाला, 59 ये। तो ये रहा आपका अरेंजमेंट, ये आपका बनना चाहिए। तो बताइएगा क्वेश्चन का लेवल कैसा था, क्वेश्चन इजी था कि नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा। बस आपको अप्रोच यही रखनी है कि यार पहले वैकेंट रख लो फिर उसके बाद आगे बढ़ो। और पता कि जो लोग ये पॉइंट नहीं लिखते ना, कहते हैं कि इसमें टाइम जाता है, तो यही आपका टाइम बचाता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं शाम को सेशन में 7 बजे वाले के IBPS PO प्री में। तो कल वाले day 4 में एक पजल थी जिसमें लास्ट वाली मैंने वहाँ पे एक लाइन मिस हो गई थी मेरे से टाइप करते समय, तो उस चीज़ को भी डिस्कस कर लेंगे आज ही सेशन में। और हाँ, अगर कोई आपको लगा कि यार इसमें मैंने कोई मिस्टेक कर दी या कोई पॉसिबिलिटी छोड़ दी, तो आप कमेंट करने से पहले एक बार आप कमेंट पढ़ लिया करो, मैं खुद वहाँ कमेंट करता हूँ, एक बार कमेंट पढ़ लिया करो कि हाँ सर ने क्या उस चीज़ को रेक्टिफाई किया है, क्या किया, तो फिर आप लोग क्यों कमेंट करते हो, यूजलेस है आपका कमेंट करना ना। तब आपने कमेंट करने से पहले एक बार देखते तो हो कि बस अच्छा मिस्टेक मिली, आँख बंद किया, खटखट खटखट मिस्टेक निकाल के कमेंट कर दिया, नहीं ऐसे तो नहीं करते होगे ना, पहले देखते हो कि भाई और बच्चों ने क्या कमेंट किया है, ये तो देखते होगे इस तरीके से, तो ऐसे किया करो, ठीक है ना। चलो कोई भी डाउट हो तो rohit@ibpsguide.com पे मेल करके मुझसे डाउट पूछ लेना, मैं आपको वहाँ पे तुरंत रिप्लाई करता हूँ, ठीक है ना। चलिए टाटा बाय बाय, सी यू, अपना ख्याल रखो, मिलते हैं शाम को।